आज का वरदान स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। इस हद की दुनिया से, हद की देह से, हद की बातों से, हद के संबंधों से मन को हटाकर स्थित हो जाएं, अपनी बेहद ज्योति बिंदु अविनाशी स्थिति में, मस्तक के बीच चमकती हुई मणि हूं मैं। ये चमक, ये अविनाशी पहचान मुझे मेरे अविनाशी पिता परम पिता शिव बाबा ने कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं आकर दी है। अमर लोक ले जाने के लिए बाबा ने मुझे मृत्यु लोक की जड़ता से परे कर अमर बना दिया है। कलयुग की तमो प्रधानता के अंधकार से किनारा कर संगम युगी अमृत वेले पर बाबा ने मुझे जगा दिया है। असत्य की दुनिया से, झूठी दुनिया से मुझे परे कर दिया है सतधर्म सत्कर्म सत स्वरूप सत पिता के सानिध्य में टिका दिया है। फील करते जाएं, मैंने मन बुद्धि से पुरानी दुनिया से किनारा कर संगम युग में एक बाबा के संग रहना एक बाबा की श्रीमत प्रमाण जीना एक बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सोचना समझना दुनिया को देखना शब्दों को उच्चारित करना कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना सीख लिया है। अब मैं इस नए युग में
एक नई पहचान के साथ। बेहद के मात पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के संग रहती हो, इस नवीन युग में सब कुछ नया, सब कुछ समर्थ है। ये युग मुझे हर पल चढ़ती कला की ओर ले जा रहा है। जितना जितना मैं समय को, संगम युगी संबंधों को, संगम युगी रीति रस्मों को, ईश्वरीय धारणाओं को अपनाती जा रही हूं, उनको जीवन में समाती जा रही हूं, उतना मेरी आंतरिक स्थिति और ऊंची, श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ बनती जा रही है। कलयुगी व्यर्थ से, देह भान से, नकारात्मक प्रभावों से मैं अंतर से दूर हो चुकी हूं। फील करें सर्वसमर्थ बाप के समर्थ सानिध्य को, जो मुझे समर्थ बनाता जा रहा है संगम युगी समय की ये स्मृति, मेरी आंतरिक वृत्ति को स्थिति को कृति को बदलती जा रही है। मुझे सिद्धि स्वरूप समर्थ स्वरूप बना रही है। आधा कल्प के कलयुगी रीति रस्मों से, व्यर्थ कर्मों व्यर्थ संकल्पों से मैंने अपने सब संबंध तोड़ दिए हैं। अब जैसा समय है, जैसा मेरा बाबा है, मैं बिल्कुल उन्हीं के समान बनती जा रही हूं, उन्हीं के कदमों पर कदम रख मैं सतयुगी नव सृष्टि की ओर, लक्ष्य के समीप पहुंचती जा रही हूं। महसूस करें परिवर्तन के इस युग के अनुरूप
अपने आंतरिक परिवर्तन को। ॐ शांति।